आज शाम को 4 बजे दिल्ली में भारत सरकार के द्वारा भी वहां पर भी एक प्रेस ब्रीफिंग की गई है। उसके अंदर काफी इश्यूज के बारे में जो एनडीएमए के मेंबर हैं सैयद हसनैन सर उनके द्वारा ब्रीफ किया गया है, वहां पर काफी उनके बारे में पॉइंट्स का डिटेल डिस्कस किया जा चुका है। काफी जो हमारे लोकल मीडिया हैं और जो कुछ अन्य चीजें हैं उनके बारे में हम आप सभी से वार्ता करना चाहेंगे। मेरे साथ आज की प्रेस ब्रीफ के अंदर हमारे डीएम साहब हैं, हमारे डीजी इन्फॉर्मेशन है और जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जो टेक्निकल एडिशनल सेक्रेटरी भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर हैं महमूद सर, आप जो ये एजेंसी है उसके एमडी भी हैं। तो बाकी जो अनुभव आप लोगों ने यहां किया होगा कि सभी एजेंसीज के द्वारा दिन रात काम किया जा रहा है, आप में से कुछ लोग रात के 1-2 बजे भी मैसेज भेजते हैं, कई सूचनाएं आपको मिलती हैं, तो आपने देखा होगा 24 घंटे सभी एजेंसीज के द्वारा काम किया जा रहा है। तो सभी एजेंसीज के काफी अच्छा सभी का समन्वय बना हुआ है, सभी एजेंसीज एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कई जगह ऐसी चीज आती है कि एक एजेंसी को काम करने के लिए दूसरी एजेंसी का काम कई बार होल्ड करवा करके आगे जाना कोई और करना पड़ता है, तो सभी एजेंसीज बिल्कुल एक साथ लगे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो डिटेल्स हैं जो एडिशनल सेक्रेटरी सर हैं वो आपको ब्रीफ करेंगे, उसके बाद कोई सवाल जवाब कोई चीज होंगे तो देन वी वुड लाइक टू एड्रेस सर। नमस्कार, जैसे कि मेरे कोलीग डॉक्टर नीरज ने बताया आप लोगों को, हमने सारे 5-6 एजेंसीज को इकट्ठा किया है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। हर एजेंसी को हमने स्पेसिफिक टास्क दिया है, किसी से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करा रहे हैं, किसी से वर्टिकल ड्रिलिंग करा रहे हैं, और इन सब एजेंसीज के बीच में तालमेल रहे वो हम लगातार हमारी टीम वहां यहां बैठकर उसको मॉनिटर कर रही है रेगुलरली। और जितने हमारे आर्मी के बीआरओ के और अन्य ऐसे एजेंसीज हैं जिनसे हम बैंड का अदर रिसोर्सेज का ले सकते हैं कोई भी कंट्रीब्यूशन वो हम ले रहे हैं, और सबसे बड़ी बात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है बिल्कुल, और डीएम साहब हैं, एसपी साहब भी हैं साथ में, अभी अर्पण आप जुड़े अभी हमारे साथ, तो और उनके साथ एनडीआरएफ एसडीआरएफ के सारे लोग तैनात हैं। हम लगातार इस काम पे इस प्रयास पे लगे हैं कि हम जल्द से जल्द ये जो इंसिडेंट हुआ है इससे हम अपने जितने हमारे भाई अंदर ट्रैप हुए हैं उनको हम जल्द से जल्द निकाल पाएं। मैं आपको डिटेल में थोड़ा बताना चाहूंगा, एनएचआईडीसीएल सबसे पहले चाहे वो ऑक्सीजन सप्लाई का व्यवस्था हो, चाहे पानी का हो, चाहे दवाइयां और फूड का खाने पीने का व्यवस्था हो, सब वो इंश्योर किया है। अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है पूरी तौर से और वहां लाइटेड है, 2 किलोमीटर तक जगह वहां बिल्कुल साफ है क्योंकि टनल बना हुआ था अंदर। और ये जितनी लाइफलाइन की एफर्ट्स है, हम चाह रहे थे कि एक लाइफलाइन से तो हम कुछ जैसे ड्राई फ्रूट्स हुआ, चना हो गए, मूढ़ी हो गए, ये सब हम भेज पा रहे थे, लेकिन हम चाह रहे वो 4 इंच का था पाइप, हम 6 इंच के पाइप के जरिए और एक एडिशनल भी लाइफलाइन बनेगा ये हम चाहते थे कि वो हम जल्द से जल्द एस्टेब्लिश करें। और आपको पता ही होगा कि कल दिन के 3:30 बजे हम ये एडिशनल लाइफलाइन भी हम थ्रू कर चुके हैं, जिसके बाद उन अंदर जो हमारे भाई सब हैं उनसे हमने थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन भी कर पाए, वॉकी टॉकी भी हमने भेजा और एक वीडियो भी हम उनका ले पाए जिससे पता चला वो तंदुरुस्त हैं, उनकी जो मानसिक हालत है वो भी सही है, ठीक है, और इस बात से हमें भी बहुत ज्यादा उत्साह इस बात से हुआ। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हॉरिजॉन्टल बोरिंग एक साइड से हमें करना था वो हम लगातार फूड पाइप जैसे काम हुआ उसका, फूड पाइप में जो मशीन जाता है उसको वापस लाना था, क्लीनिंग करना था पाइप का, फिर खाना वगैरह भेजना था और उसके बाद फूड पाइप को सिक्योर करना था, वो सब काम पे हम लगे थे। और आज सवेरे से हमने हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया। तो आपको ये पता होगा कि 900 mm डाया का डायमीटर का हम पाइप 21-22 मीटर तक हमने अंदर पुश किया था पिछले हफ्ते, और उसके बाद अड़चने आई थी। अब हमने डिसाइड किया कि हम टेलीस्कोपिक मेथड से उसके अंदर 800 mm का डालेंगे ताकि 900 mm के अंदर 800 mm बड़े आराम से जा सकता है, कम से कम ये पहला 21-22 मीटर वो काम हमने शुरू कर दिया। इसके बाद हम उसके अंदर मशीन डालेंगे जो अपनी ऑगर ड्रिलिंग मशीन है जो हमने एयरलिफ्ट करके लाया यहां, और ये मशीन जो है वो आगे ड्रिल करने की
करना स्टार्ट करेगा। आज रात से हमारा ये प्लान है। हमारे लिए ये जो समय है, आज रात कल दिन भर, ये समय सबसे सबसे अहम है, क्योंकि 60 मीटर का ये जो बिल्कुल टोटल लेंथ है, जो हमारे मलबा जो गिरा हुआ है उसका जो बीच का लेंथ होगा वो ये 20-25 से 40-45 मीटर तक है। उसी के ऊपर सबसे ज्यादा वजन रहता है, और अगर पत्थर आ जाए या कोई मशीन आ जाए जिससे थोड़ी बहुत अड़चन पैदा हो, वो दिक्कतें ना आए, तो हम जल्द से जल्द मे बी 30 घंटे में 40 घंटे में आपसे और खुशखबरी हम आपके साथ कुछ बताने की स्थिति में होंगे। अड़चने आ सकती है, उसके लिए भी थोड़ी बहुत तैयारी हम कर रहे हैं और उसकी प्रयास है, लेकिन ये सिर्फ ये एक ऑप्शन हमने नहीं रखा है। हमने इसके साथ ये भी किया है कि हॉरिजॉन्टल भी बोरिंग हो अगले साइड से, पारकोट के साइड से, जो काम हमने टीएचडीसी को अपोजिट